लोगों को सिखाना पड़ेगा, सकते हो आपको करना होगा। और हमारी अपनी YouTube चैनल है क्रिएटर, नाम से ही स्पष्ट है क्रिएटर सुपर 30। इस पर आपको ब्रिज कोर्स ये आपको दिया हुआ है और आप कभी सीख सकते हैं, कम से कम 2-3 विद्यार्थी को सिखाएंगे, है ना, फिर वो वाला आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ये वाला अब हम लोग दूसरे प्रकार पे चलेगा, पहले इसका ऐसा कर लेते हैं। हमारा अपना ऐप है, अपना ऐप है, अपना ऐप है सरार प्रदेश पर करें। इस पर भी आपका ये वीडियो रहेगा और इस पर टेस्ट लेकर सारा चीज आपको रहेगा। हमारा मकसद एक ही है कि पेशेंट को गांव गांव सभी बच्चे के पास पहुंचाए, समझ गया? एकदम सरल आसान है, जैसे आप बोले दोनों मिले बोला ऐसा होंगे। अब थोड़ा थोड़ा फर्क पहले ऐसे कर लेते हैं, ये तो बड़ा बात हो गई, ये समझ गए। तो दिक्कत ये तो है, जितने लोगों का है उतने लोगों को बताओगे, लोग को फायदा हो जाएगा। आप 15 को कैसे लिख सकते हो जल्दी बताओ, दो मकसद बताएगा। 15 को यहां पर लिख सकते थे 4k² - 1 और 3k² + 6। बोलो यस या नो, कौन सही है, कौन सही है? ऊपर वाला सही है, बोलो है ऊपर वाला। जैसे ही तुम्हारा होगा रात के सपने में हम आएंगे, a² - c है, बोलो कैसे हो, मार्केट में क्या सिखाएगा, a - b / 2। समझ गया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। ये बात लॉजिक नहीं है, ये बात लॉजिक नहीं, बोलो क्या सर, रियल में फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, a - 1 बोलो और 2a - b / 2 बोलो यस या नो। यहां पर तुम्हारे पास 4 में से 1 है तो 3 आ गए ना, और यहां पर 7/8 बोलो क्लियर है, यानी 3.8। तो दिक्कत 17 तो कर दोगे ना भाई, बोलो यार। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में करते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे सब लोग, बोलो यस या नो, बोलो। और करना नहीं है, लोगों को बताना है, उसको मजबूरी बताओ ना, को मिले तो अपने आप को बताओ, लेकिन बताओ, लेकिन क्या करो, जितना बताओगे नहीं बताओगे नहीं सीखोगे, सिंपल है। सीखना तो वर्ड है, जब तुम किसी को सिखाओगे तभी तुम सीखोगे, जब किसी को ना तो मिलता है अपने आप को सिखाओ। चलो अब दूसरी प्रोग्राम में लोग चलते हैं, पहला आप लोगों ने बायोलॉजी सीख लिया कि नहीं सीख, बोलो सीख गया, सीख गया, बोलो भाई सीख गया, बायोलॉजी सीख गया, बोलो यानी कल बोलेगा दो इंसान बनाए, एक पास कर ले और पास बायोलॉजी, बोलो यस। अब तू कहोगे कि सर बायोलॉजी थ्योरम को थोड़ा मजा लगा है, फॉर्मूला कितने को प्रॉब्लम को पता है, बोलो यार है, तो चलो इसको बोला। तो देखो पास्कल ट्रायंगल, पास्कल का नाम सुना होगा, फिजिक्स में प्रेशर था, समझ जाओ आ गया। तो देखिए आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा देखो पास्कल ट्रायंगल है तुम्हारा मैथ के बुक में भी दिया हो जाए, लेकिन वो परफेक्ट है। अगर ये दो का बनाओगे बाइनोमियल, यानी 1 + 1 = 2, बोलो यस या नो, तो 2 का पास्कल ट्रायंगल यहां 1 हुआ और 2 को 1 हुआ,
यहां पर दो टर्म है, कितना टर्म है, तो पेयर कितना का होगा, दो करोड़, यहां वन आई पेयर कर दिया टू थ्री, फिर से वन लिखा पेयर कर दो, दो आए फिर पेयर किया आ रहा है, बोलो यहां पर तीन आए तीन तीन जी और तीन आए चार आ रहा है, यहां चार आए पांच, छ चार दस, फिर दस पांच, क्योंकि यहां पर दो टर्म था, कितना टर्म था, तो इसका ग्रुपिंग कितना का किया है, और दो का ग्रुपिंग कैसे होगा सोचो, लॉजिक को सोचो, अगर एक का ग्रुप बनाना पड़ेगा बोलो, फिर दो का ग्रुप बनाना पड़ेगा बोलो, तीन का ग्रुप दो या तीन का ग्रुप, दो का ग्रुप बनाना पड़ेगा, जब दो का ग्रुप हो गया तो दो एक का बनाना पड़ेगा, तो इसी को कहा जाता है पैराबोलिक, क्या कहा जाता है, देखो पैराबोलिक है, एक पांच दस दस पांच ऐसे है पैराबोलिक, बोलो यस सर, यानी अगला टर्म क्या होगा बताओ, अगला होगा वन, वन के बाद क्या होगा सिक्स, सिक्स के बाद क्या होगा फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद क्या होगा ट्वेंटी, दस दस बोलेंगे तो फिर फिफ्टीन फिर सिक्स, बोलो यस सर, यानी आप छोटा छोटा लीव करके थोड़ा बास्केट एंगल होगा, हम चाहेंगे कि हमारे पास अभी जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए, क्योंकि विद्यार्थी के बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें जो है तो कम से कम 20% अगर हम बांट देंगे तो मैं स्वदेश लोग डिजिटल केमिस्ट्री थी ये वन वन हो गया, यहां वन 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 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां वन तीन 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 आए चार, मजा आ रहा है, चार आए पांच, छह चार दस, दस पांच, पांच आए छह पंद्रह, बीस पंद्रह छह तीन, देखो जिस अंदाज में जा रहा है उसी अंदाज में आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा छह आए सात, पंद्रह छ बीस, पंद्रह बीस पैंतीस, फिर पैंतीस और इक्कीस सात, बोलो अब तो पूछोगे सर का है, पूछो पूछो, देखो ये प्रश्न, प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि आपने क्यों पढ़ा दिया, अरे पास्कल फिजिक्स में ताप लेके आया तो वहां तो डायरेक्ट ट्रायंगल लेके आया, देखो क्यों वन प्लस एक्स का होल पावर टू है, बोलो देखो ये टू के लिए ये वाला है, बोलो अब मजा ले, वन टू वन वन टू, यहां एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर वन और एक्स के पावर टू, बोलो यही था फॉर्मूला लिखा है, बोलो अब मजा ले, वन प्लस एक्स के पावर थ्री है, क्या हो जाएगा वन थ्री थ्री वन होगा, यहाँ वन थ्री थ्री वन लिखेंगे, यहाँ एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर वन, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब होगा, बोलो यार आ रहा है, अब बताओ वन प्लस एक्स के पावर फोर को मिस्टर आकाश कुमार क्या बोलोगे, एक्स के पावर जीरो इसी में लिख देंगे,
एक्स के पावर वन, एक्स के पावर टू और एक्स के पावर थ्री, एक्स के पावर फोर, बोलो यस या नो, दिमाग खुल रहा है नहीं खुल रहा है? मैंने आज बाइनोमियल का खोले लेकिन बाइनोमियल का खोल रहे हैं उनका खोल देंगे पार्ट एंड पार्ट। अब मिस्टर आदित्य बाबू वन प्लस एक्स के पावर फाइव बता सकते हैं? बोलिए x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4 और x के पावर 5। बोलो यस सर। सिक्स का बुला सकते हैं कैसे होगा? 0 हाँ 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 बोलो वेरी गुड। आप बताओ वन प्लस एक्स के पावर 7 बता सकते हो? बोलो यार एक्स के पावर बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो भाई हमने यू आगे लिखने के लिए आ गया भाई को गुना जो करते थे करना नहीं पड़ा। बोलो बोलो भाई करने आ गया सब लोग नहीं आ अच्छे से बोलो ये फिर पेज बाय पेज आप नोट कर सकते हैं टेंशन मत लीजिए करने दीजिए पेज बाय पेज भी नोट कर सकते हैं आपका इसमें रहेगा ना पेज बाय पेज आप नोट कर सकते हैं समझ गए? आप यहाँ पर देखोगे कि तुम्हारे मन में होगा कि सर ट्राइनोमियल होगा क्या होगा यानी त्रिपद त्रिपद प्रमेय। तब पास्कल कैसे काम करेगा? तो अभी तुम लोग को लॉजिक बना दिया तो हम लॉजिक कैसे करवा रहे हैं नॉन कैसे करवा रहे हैं जो ग्रुप बना रहे हैं और नेचर बनाओ हेल्प करो बोलो भाई तीन रहेगा तो कितना का पेड़ चलेगा? एक बार वेरी गुड कितना चलेगा? यानी पास्कल प्रेंगन तीन में ए रहेगा। बोलो यस या नो आ रहा है तीन का पेड़ चलेगा एक लेकिन तीन का पेड़ बनेगा कैसे? पहले एक का पेड़ होगा फिर दो का पेड़ होगा फिर तीन का पेड़ होगा आपने कर दिया दो आया और यहां से यहां तक आपने पेयर कर दिया तीन आया और पुनः फिर दो का पेयर करेंगे दो आया और फिर एक आया। बोलो यहां से आनो बोलो आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ एक है अरे दो का पेयर किया तो तीन अब यहां पर ये पेयर करना चालू कर दिया सात ये पेयर करना चालू कर दिया तीन दो पांच दो सात ओह दोनों में गलती हो गया दो तीन पांच है एक छह ओ अब गलती हो जाए और तीन दो पांच दो सात फिर छ और तीन एक। बोलो अब तुम्हारे पास ये है तीन एक कितना चार यहां इसको हम लोग हल करोगे ना दस छ तीन नौ सात सोलह बोलो यार सात छ तेरह छ उन्नीस बोलो यार सात छ तेरह तीन सोलह फिर घटते चल जाएगा दस चार एक। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहा हूं
बोलो यार, फिर देखो यहाँ एक आया, बोलो यार, आया चार, एक कितना हो गया पांच, दस चार चौदह, एक कितना हो गया पंद्रह, चौदह सोलह कितना हो गया तीस, लिखते चल जाओगे, बोलो। अब तुम्हारे पास देखो फायदा क्या हो, तेरे से कोई पूछेगा वन प्लस एक्स एक्स एस वन, इसकी होल पावर वन पूछेगा, तो होल पावर वन तो यहां हो गया ना, एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर वन, आई एक्स, बोलो कंप्लीट कंप्लीट। अब हम ग्रीन सिग्नल देंगे, आइए वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का होल पावर, होल पावर, बोलो अब इसकी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देना कि नहीं, पहले तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ एक्स के पावर जीरो होगा, एक्स के पावर वन होगा, यहाँ एक्स के पावर टू होगा, यहाँ एक्स के पावर थ्री होगा, और एक्स के पावर यहाँ पर क्या होगा, लिखने आ गया, गुना करके देख लेना, यही आए। अब बस्तर मेरे समझ में आया, तुम मार्केट में बस्तर मेरे पूछो, दो पेड़ का बनाएगा, तुझे बुक में दो है, अरे भाई दम है तो स्किल विकसित करो, अगर स्कूटर बनाने तुमको आ गया तो तुम्हें चल भी होना चाहिए कि ये लोग नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं, ये स्किल क्या होगा, अगर दो का हमने स्किल किया तो तीन चार भी हम लोग को आना चाहिए, बोलो यस या नो, ये चीज तुम्हें होना चाहिए, एजुकेशन से आगे एक चीज होती है उसको बोलते हैं स्किल, समझे, अगर हमने दो पढ़ा दिया तीन पढ़ा दिया तो तुम लोग आना चाहिए हिम्मत, इससे मैं चार भी करूंगा, नहीं होगा इतना नोबियल भी करूंगा सर, क्या करूंगा, जब तुम लोग अंदर में आना आवाज आएगा, अरे भाई पांच भी नोबियल कर, बोलो यस या नो, बोलो यार, क्लियर है ना। आइए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का, अरे अभी तो हमें बढ़ जाता थ्री, बोलो ऐसा ना, क्या इसको तीन बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहां पर बताओ एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर वन, एक्स के पावर टू, एक्स के पावर थ्री, एक्स के पावर फोर, एक्स के पावर फाइव, एक्स के पावर सिक्स, अगला यहाँ वन प्लस एक्स एक्स एस पावर होल पावर फोर रहेगा, कर देगा कि नहीं कर देगा, बोलो भाई आकाश भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर वन, एक्स के पावर टू, थ्री, बोलो फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एक्स के पावर, अब बताओ वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का होल पावर फाइव, बोलो कर देगा है, क्या हो जाएगा, बोलो एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर वन, एक्स के पावर टू है, इसी ढंग से बढ़ते चला जाएगा, एक्स के पावर थ्री बढ़ते चला जाएगा, बोलो पास्कल का समझा के नहीं समझा, पहले स्कूल में क्या करता था, बाइनोमियल क्लियर होता है, तुम्हारे बुक में मैथमेटिक्स के बुक में तुम्हारे पास चैप्टर नंबर नाइन है, ये केवल दिया हुआ है दो का, तुम लोगों को तीन करने में आगे नहीं दिया, बोलो है मैथमेटिक्स की जो अप्लाई करोगे वही फिजिक्स है, बोलो ऐसा ना, बोलो है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारे कैलकुलेशन को क्या करना है, फास्ट करवाना है, बोलो ऐसे लो, ये करने आ गया पैटर्न, पहले तो तुम्हारे पास अभी ये करना पड़ेगा कि ट्रायनोमियल होगा, तुम कहोगे ना कि चार है तो पेयर क्या का होगा, चार का पेयर क्या का होगा, चार का, बोलो यस सर, पेयर क्या का होगा, तो पहले यहां वन लिखोगे, अब कितना वन लिखना पड़ेगा, चार,
मेरी बात समझ रहे हो? बोलो भाई, अब यहाँ एक तो लिखोगे ना, पहले दो का पेयर बनाएगा, फिर तीन का पेयर बनाएगा, फिर चारों का पेयर बनाएगा। पैटर्न समझ में आ गया? और जैसे गया है वैसे आएगा। तो यहाँ 3 2 1 समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है? बोलो फिर से समझिए। आप प्रयास नहीं करते हैं? देखिए, आपका यहाँ पर 4 है, 4 का पेयर कैसे बनाएगा? एक ही ढंग 4 निकाल दोगे, पेट फट जाए। पहले 1 का पेयर बनाओगे, फिर 2 का पेयर बनाओगे, फिर 3 का बनाओगे, फिर 4 का। अब फिर ऐसे ही उलटना भी पड़ेगा। तो पहले देखो, यहाँ 1 का पेयर बनाया, इस 1 को यहाँ लिख दिया। यहाँ 2 का पेयर बनाया, 1 1 2 हो गया। फिर यहाँ 3 का पेयर बनाया, 3 हो गया। ये 4 का पेयर बनाया, 4 हो गया। और फिर 3 का पेयर बना, 3। फिर 2 का पेयर बना, फिर 1 का पेयर बना। समझ में आया? जो पास्कल ट्रायंगल का ऑथेंटिक चीज इनको हम बता रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि ऑथेंटिक चीज नहीं जानोगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो, फिर यहाँ 1 लिखा है, बोलिए काजी, ये दोनों का पेयर करेगा? 3 होगा, बोलो। अब यहाँ 3 का पेयर करेगा? 6 होगा, बोलो। अब 4 का पेयर करेगा? यहाँ तक 2 1 3 3 6 4 10 होगा, बोलो भाई। फिर 4 का पेयर करेगा, बोलो। 2 3 5 4 9 3 12 होगा, बोलो भाई। फिर करेगा है तो फिर 12 ही आएगा, फिर 10 आएगा। ये तो जो आया है वही ना रिटर्न होगा। तो यहाँ पर 10, यहाँ 6, यहाँ 3 और 3, बोलो आया। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि यहाँ ये 1 है, क्या है? अब यहाँ पर 3 आया, क्या कर दिया? बोलो 4। 3 का पेयर करेगा, 6 3 9 है, कितना हो गया? 10। अब यहाँ पर ये बढ़ाओगे ना, बोलो भाई, तो यहाँ पर 10 6 16 3 19 है, ये कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पर तुम इसको हल करोगे तो 6 3 9 10 आपका क्या हो गया? 19 12 31, बोलो होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर तुम इसको करोगे तो 12 12 कितना हो गया? 24 10 40 आ गया, बोलो यस या नो? फिर यहाँ पर इसको करोगे ना, बोलो कितना जाएगा? 12 10 22 22 44 हो जाएगा। अब चूंकि बीच का आ गया, घटना चालू होगा, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 31 20 10 4 1, बोलो है? आया कि नहीं आया? दिमाग खुला? चूंकि पास्कल ट्रायंगल में समझता क्या है कि 2 ही का पेयर होता है, ये गलत सोच है, बोलो। 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी। अब इसकी कोफिशिएंट का सम की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब तुमसे लिखने के लिए कोई पूछ दे कि 1 + x + x² का होल पावर 1, होल पावर, तो यही हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? पेन चेंज कर देंगे तो थोड़ा सा दिखेगा, तो और मजा आ जाएगा। यहाँ पर 1 + x और x² का होल पावर 2 है, होल पावर क्या है? तो इस पर लिखा जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना? तो क्या लिखाएगा, बोलो। x^0 x^1 x^2 x^4 x^5 x^6, बोलो आया? अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आपका? 1 + x x^2 और होल पावर 3 करेगा, होल पावर क्या करेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x^0 x^1 x^2 x^4 x^5 x^6 x^7 x^8 और x^9 होगा। अब लिखने आ गए? अब बताओ कि यहाँ पर 1 है, x है, x² है, x³ है, अब होल पावर 4 लिखना रहेगा,
कर देना कि नहीं कर देना, क्या हो जाएगा? एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर वन, एक्स का पावर टू, एक्स का पावर थ्री, एक्स का पावर फोर, एक्स का पावर फाइव, एक्स का पावर सिक्स, एक्स का पावर सेवन, एक्स का पावर एट, एक्स का पावर नाइन, एक्स का पावर टेन, एक्स का पावर ग्यारह, एक्स का पावर नाइन होगा। अब देखो तुम्हारे पास दिमाग तो करो कि अगर पांच टर्म आ भी रहेगा तो तुम लोग कर देगा कि नहीं करेगा, बोलो दिमाग खुला। पांच टर्म मिलेगा तो कर देगा नहीं करेगा, कैसे करेगा? यहाँ पर समझ, तो यहाँ पर ये वन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स के पावर फोर का होल पावर एन लिखना रहेगा तब भी पासवर्ड बना सकते हो। कैसे बनेगा बताओ? पहले एक लिखाएगा, आज उसके पास पांच होगा, पांच। ये मेरी बात समझ रहे हो? हैं? अब तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले एक का पेयर लेगा, फिर दो का पेयर लेगा, फिर तीन का लेगा, फिर चार का लेगा, फिर पांच का। बोलो ऐसा हो, फिर घटना चालू करेगा। लॉजिक क्लियर हुआ? बोलो। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वन, दो का पेयर लिया, बोलो भाई। अगला तीन का पेयर लिया, बोलो भाई। अगला चार का पेयर लिया, बोलो भाई। अगला पांच का पेयर लिया, बोलो भाई। बस मिल गया। और चूंकि ये कंप्लीट हो गया उसी के अनुसार जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास चार होगा, तीन होगा, दो होगा, एक होगा। अब यहाँ पर तुम्हारा एक आया, क्या आया? तो यहाँ दो एक कितना हो गया? यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे तो छे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी चार का सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो यस या नो? तो चार तीन सात दो नौ और एक दस, बोलो होगा। फिर पांच का सॉल्व करेंगे, बोलो भाई। तो पांच चार नौ, तीन बारह, दो चौदह, एक पंद्रह, बोलो हाँ। अब यहाँ पर फिर पांच का सॉल्व होगा, बोलो यस या नो? तो यहाँ पर दो तीन पांच चार नौ पांच, यहाँ पर चौदह चार अठारह, बोलो होगा। अब अगला फिर पांच का सॉल्व करेंगे ऐसे, बोलो भाई। तो चार तीन सात, पांच बारह, चार सोलह, तीन, बोलो होगा कि नहीं होगा? अगला सॉल्व यहाँ पर करेंगे, बोलो भाई। यह जो सॉल्व करो, या यहाँ पर तुमको चार पांच नौ, चार कितना हो गया? तेरह, तीन सोलह है, फिर अठारह, बोलो। यानी घटना चालू कर दिया है, तो बोलो कितना चालू कर दिया? नहीं कर दिया, यहाँ पर पंद्रह हो जाएगा, दस हो जाएगा, करने आ गया नहीं है? आया। अब देखो इसका सम, इसका सम, इसका सम, चलो शुरू से पीछे हम लगाते हैं। तो अभी तुमको मैथमेटिक्स को, अब इसका सम की बात, इसकी बात करो। यहाँ ध्यान दे, यही लॉजिक, यहाँ वन प्लस एक्स के पावर एन कह रहा है, बोलो। इससे तुम फॉर्मूला बनाया है, तो अगली पेज में तुम फॉर्मूला लिखा था ना। अब तुमसे कोएफिशिएंट का सम पूछे, कोएफिशिएंट का क्या पूछे? यहाँ ध्यान, कौन ऐसा नंबर जिस पर हम पावर करने से कोई इफेक्ट नहीं है? वन, यानी एक्स का वैल्यू वन ले लेंगे। एक्स का वैल्यू क्या ले लेंगे जल्दी बताओ? वन, तो वन वन जोड़ देंगे तो यह टू के पावर एन हो जाएगा, टू के पावर। अब गौर से देखो, यह टू के पावर जीरो, यानी वैल्यू वन है कि नहीं सम करने पर? लॉजिक देखो, है ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ? टू के पावर वन यानी टू होगा कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, है ये वाला का सम करो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? दो एक, तीन एक, चार, तो दो के पावर दो, बोलो चार हो रहा है कि नहीं? ये वाले का सम करो तो देखो, तीन आए चार, चार तीन सात, एक आठ, यानी दो के पावर तीन हो रहा है कि नहीं? यानी जिसका रहता उसके बेस पर पावर हो जाता है। यह लॉजिक क्लियर हो गया? बोलो, इन लोगों को बताना पड़ेगा तब तुम्हारे क्लियर। अब इसका सम करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? एक, चार आए पांच, छह पांच ग्यारह, चार पंद्रह एक सोलह, दो के पावर चार, तो सोलह होगा कि नहीं? इस पर दो पर पावर होगा, काहे कि बाइनोमियल है, क्या है? दो पर पावर हो चुकी, एक्स की वैल्यू वन ले रहे हैं, बोलो समझ लो। अब बताओ इसकी कोएफिशिएंट अब तुम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? सब बोलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो के पावर पांच, बोलो भाई, बत्तीस हो जाएगा। इसका कर दोगे कि नहीं कर दोगे? चौसठ।
यहां पर क्या कर दोगे 128 बोलो करने आए। अब देखो नेक्स्ट पेज में तुम जाओ, अब अंदर की आवाज को पहचानो, बाइनोमियल था दो परमाणु का, बोलो यहां क्या है ट्राइनोमियल ट्रिपल है, कितना परमाणु कितना परमाणु तीन परमाणु क्यों होगा ये सोचो। यहां देखो ये लिखा हुआ है X 1 रख दिया, ए भी 1 हो गया, आई 1 का स्क्वायर करेंगे ए भी 1 हो, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3, बोलो या सर। अब देखते हैं कर करके कि क्या सच है, तो 3 के पावर 0 वैल्यू 1 होगा कि नहीं, ये तीनों को जोड़ेगा तो 3 के पावर 1 होगा कि नहीं, फिर बात समझ। यहां जोड़ो 2, यहां जोड़ो तो 2 है 1 3 3 3 6 2 8 है ये, यानी यहां पर बोलो 3 का स्क्वायर बोलो 9 है कि नहीं, बोलो आ रहा है आ रहा है, बोलो यूज हो रहा है, बोलो आप बताओ इसकी सम कितना हो जाएगा बताओ, यहां हल करोगे 3 है 1 4 6 4 10 7 17 6 23 3 26 आइए 27, यानी 3 के पावर 3 लिखेंगे तो 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी अगला आप जोड़ेंगे नहीं, अगला क्या होने वाला है तुमने सुना क्या, बोलो भाई क्या होने वाला है जल्दी बताओ, 3 के पावर अगला क्या होने वाला है 3 के पावर 5 है, प्रिसिजन का सम करने आ गए कि नहीं आए, बोलो भाई है, इसको अप्लाई करना सिखाएंगे, देखो इसकी अप्लाई कैसे होती है, करने आ गया सम नहीं आया। अब देखोगे अगली पेज में चलते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, टेट्रानोमियल क्या लिखा हुआ है, टेट्रानोमियल लिखा हुआ है, अब x की वैल्यू 1 रख देगा कि 1+1+1+1 और इसकी पावर n होगा कि नहीं होगा, अब बताओ ये जोड़ेगा तो तुमको कितना हो जाएगा 4 हो गया, अब बताओ यहाँ पर 4 के पावर 0 4 के पावर वैल्यू 1 होगा कि नहीं, बोलो अब यहाँ पर तुम इसको हल करेगा 4 के पावर 1 बोलो 4 होगा कि नहीं, बोलो भाई अब ये वाला को जोड़ के तुमको नहीं है पहला ही आंसर लिख देना है कि 4 के पावर 2 यानी 16 होगा, क्या होगा अब देखेंगे कि 16 हो रहा है कि नहीं, तो देखो 1 2 जोड़ेगा तो कितना हो गया 3, अब 3 कितना हो गया 6 आ रहा, 6 4 कितना हो गया 10, 10 3 कितना हो गया 13, 13 2 कितना हो गया 15, 15 ही कितना हो गया 16 आया, अब अगला वाला का जन्म कुंडली डायरेक्ट जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे, बोलो भाई नहीं जोड़ दोगे, बोलते बात फिर हुआ कि नहीं, अगली प्रेस्ट में बढ़ जाओ, ये 5 वाला भी तुम लोग अब समझ गया कि नहीं, क्या पर आएगा जल्दी बताओ आए आया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो है ये 5 के पावर 0 हो जाएगा, पेन थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ज्यादा दिखेगा, तो यहाँ पर 5 के पावर 0 बोलो, यहाँ 5 के पावर 1 ये वाला हम लोग हल करेंगे तो 5 के पावर 2 25 मान लीजिए सख है तो जोड़ के देख लो, सख है तो जोड़ के, तो यहाँ पर 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 3 22 22 2 24 25 25 अगला तुम्हारे पास क्या सम होगा क्लियर हो गया, तो आज तुम लोग को हम लोग दिखाया वह क्या दिखाया कि अब इसके और पीछे हम लोग 12 पेज हो गया था, अब पीछे वाला तुमको हम थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं फटाफट पर, देखो यहाँ ध्यान, यहाँ पर हम तुमको क्या बताए थे कि यहाँ पर तुम्हारे 10 तक तुमने पढ़ाई किया, 11th में आ गया बोलो, तो अब यहाँ पर ये पुल बनाना पड़ेगा क्योंकि बीच में नदी है, ये ब्रिज कोर्स हुआ, ब्रिज कोर्स में पहला तुम्हारे पास जो आता है वो आता है बाइनोमियल थ्योरम, क्या आता है बाइनोमियल का मतलब सिखाए थे क्या बताए थे, फिर से रिवीजन हो जाए, फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1, फर्स्ट टर्म ऑलवेज यानी इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, और जो सेकेंड टर्म होगा यानी द्वितीय पद जो होगा वो 1 से छोटा होगा, इसको तुमको लिखना पड़ेगा एक्स मच 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 लेस देन 1, तुमको हमने एग्जाम्पल बताया कि एक विद्यार्थी का 1/8 है, एक विद्यार्थी का 1/9 है, एक विद्यार्थी का 1/10 है, एक विद्यार्थी का 1/11 है, और एक विद्यार्थी का 1/15 है, इसमें सबसे छोटा कौन है, ये वाला है, बोलो यस या नो। दूसरा यहाँ पर तुमको हम बताया ये फॉर्मूला लिखने तो तुम लोग मान से हो गया है,
अब देखोगे कि यहाँ पर वन बाई लॉजिक बता है, क्या होता है यहाँ पर वन बाई टेन है, वन बाई इसको किया तो 0.1 आ गया, 1 बाई 10 का पावर 2 किया तो 0.01 आ गया, 1 बाई 10 का पावर 3 किया तो ये आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया, यानी मान इसका घट रहा है। तो इसी को हम जो नेक्स्ट पेज में बताया वह बताया कि देखो ये फॉर्मूला तो होता है लेकिन यह सिंबल अप्रोक्सीमेट का है, कहता है बोलो यानी हायर पावर को ये इसका पावर को इग्नोर कर दिया गया, क्या कर दिया गया इग्नोर कर दिया गया, क्यों इग्नोर कर दिया गया क्योंकि वन से काफी छोटा है, वन से काफी, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। बोलो ऐसा लो तो अब तुम्हारे मन में होगा कि बाइनोमियल को हम जो पढ़े थे सर वो एन कॉम्बिनेशन जीरो एक के पावर एन ये पढ़े थे, इसको हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया प्रूफ कर दिया कि इसको हम फर्स्ट टर्म कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म वन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यह बात क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास जो है अगली जो हमारी बात जो हुआ यहाँ पर आया कि यूज कैसे करें, आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर हम यहाँ पर देखो ध्यान दो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी था, बोलो यस या नो, यहाँ पर देखो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर क्या कर लिए अब वन प्लस बी बाई ए स्क्वायर यहाँ हल कर दिए, इसकी फॉर्मेट पर आ गया, बोलो ये फॉर्मूला कैसे आ गया, अब इस फॉर्मूला को तुमको हम यूज करना सीखा है, रूट तुम्हारा क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास क्या हुआ अगला, तुम्हारे पास पारी यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है, यहाँ दो पारी होगा, कितना पारी होगा एक रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी बताया, दूसरा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर तुमको हम एक लॉजिक क्वेश्चन दिए, ये तुम्हें मार्केट में कहना है ये आपको तैरने आता है, आपको तैरने और तालाब में तुम्हारा दोस्त डूब रहा है और भाई डूब रहा है तो किसको स्नान होगा, किसको यानी यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि नजदीक कौन है, यहाँ पर बहुत विद्यार्थी जैसे तुम लोग बोला दोस्त और भाई का, हमने जैसे एग्जाम्पल दिया कि देखो यहाँ दोस्त डूब रहा है यहाँ भाई डूब रहा है, इसको तुम छानने जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त डूब जाए, बोलो ऐसा नहीं और भाई भी डूब जाए, बोलो यानी जो नजदीक रहेगा उसको छानोगे, बोलो ऐसा नो, इसी लॉजिक पर यहाँ रूट अंडर टेन एक विद्यार्थी लिखा 3 स्क्वायर प्लस 1, दूसरा विद्यार्थी लिखा 4 स्क्वायर माइनस 6, बोलो लिखा इसमें नजदीक कौन ये यानी ऊपर वाला हो जाएगा, रूट अंडर 15 है तो 4 स्क्वायर माइनस 1 है और इसको 3 स्क्वायर प्लस 6, अब बताओ कौन नजदीक है, ये नजदीक है करने आ गया बाबू। फिर आपको जो है से हम तुमको बताया कि अब बताया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्म में रहेगा तो ए प्लस बी बाई फॉर्मूला से पहले में से निकल गया, यहाँ पर तुमको हम बताया कि जनरली टीचर यहाँ पर गलती करता है, क्या गलती करता है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको लिख देगा a माइनस बी बाई टू ए, क्या लिख देगा समझ जाना कि ये गलती किया है, क्या क्या है देखो यहाँ पर पहले पॉजिटिव आया और उससे तुम घटाओगे तो टाइम ज्यादा में लग जाएगा, तो यहाँ पर हम वन जोड़ के वन घटा करके फॉर्मूला तैयार कर दिए हैं, बोलो ऐसा नो करने आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ रूट अंडर टेन था तो 3 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ 3 कर दिए और 1/6 कर दिए तो 7 निकालने आ गया। अब